हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं JEEIP 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले JEEIP 2024 के बारे में जान लेते हैं। जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एज ए प्रेस्टिजियस कोर्स होता है जो बैंकिंग सेक्टर के लिए होता है। डे टू डे बैंकिंग ऑपरेशन, सक्सेसफुली पासिंग कस्टमर रिलेशन, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, लीगल एस्पेक्ट। अब इसका जो बात करें इसका एग्जाम की, इनका जो एग्जाम होता है बैंकर्स के लिए होता है फॉर द बैंकिंग सेक्टर। ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं। इसमें नॉर्मल है कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। एग्जाम नेम है JEEIP 2024 एग्जाम। सिलेक्शन प्रोसेस है ऑनलाइन एग्जाम। एग्जाम डेट होने वाला है 1st to 21 मार्च 2024। सब्जेक्ट की बात करें इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल, मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। एग्जाम का लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज। ऑफिशियल वेबसाइट है www.iibf.org.in। एग्जाम के एलिजिबिलिटी की बात करें, आपको नॉर्मली 12th पास आउट करना पड़ेगा। आप कोई भी फील्ड से कर सकते हो। इसके लिए नॉर्मल आपके पास सबॉर्डिनेट स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा इन द 12th, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। नॉर्मली आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। आप कैसे अप्लाई करोगे, उसके लिए आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा www.iibf.org.in। वहाँ उनके होम पेज में जाओगे तो एग्जामिनेशन कोर्स ऑप्शन आएंगे। वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल कोर्सेज दिखेंगे। वहाँ पे सिंपली आपको अप्लाई करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका वैलिड होना चाहिए। वहाँ पे आपको यूनिक आईडी आएगा फॉर द रजिस्ट्रेशन टाइम। उसके बाद आपको नेम, डिटेल, एड्रेस वगैरह, एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आपको देना है। उसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। एग्जाम सब्जेक्ट की बात करें तो पेपर वन होता है, वो होता है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। और सेकंड पेपर होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। तीसरा पेपर होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बैंकर्स। पेपर फोर होता है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। और अटेम्प्ट की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग से 100 क्वेश्चन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स के लिए 100 क्वेश्चन, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के लिए 100 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल 100 मार्क्स का होता है। और टाइम ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स का मिलता है। पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो जैसे 100 में से आपको नॉर्मली पासिंग क्राइटेरिया है 50, और नॉर्मल आपको 45 मार्क्स इस सब्जेक्ट में आपको लाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आपका नॉर्मल 50% मार्क्स आपका बनेगा। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नॉर्मल इसके इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड टेबल फॉर क्लैरिटी के लिए बात करें, ये चार जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मई में जो एग्जाम्स होंगे, 5 मई को जो एग्जाम होगा 8:30, 10:30, 1:30 को इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का होगा। 11 मई को एग्जाम होगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। 12 मई को एग्जाम होगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग। 19 मई को एग्जाम होगा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अगर आपको जैसे फीस की बात करें, फर्स्ट अटेम्प्ट 4,000, सेकंड अटेम्प्ट 1,300, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितना भी आप अटेम्प्ट करोगे आपको 1,300 रुपए एप्लीकेशन फीस भरते रहना है। अभी इसके मॉड्यूल के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। पेपर वन की बात करें इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मॉड्यूल ए, इसका जो टॉपिक है वो एन ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, नीति आयोग रोल एंड प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबलाइजेशन, इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इशू फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। दूसरा जो पेपर है वो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग मॉड्यूल है। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, AML KYC के जो गाइडलाइंस होते हैं, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ KYC, ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ द हैंडलिंग, क्लियरिंग, कलेक्शन, कैश बैंकर, स्पेशल रिलेशनशिप, फॉरेन एक्सचेंज, रेमिटेंस फैसिलिटी फॉर इंडिविजुअल, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ NRI बिजनेस, फॉरेन करेंसी, अकाउंट फॉर रेसिडेंट एंड अदर एस्पेक्ट, कैश मैनेजमेंट सर्विस एंड इट्स इंपोर्टेंस, पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्टिंग बैंक, बैंक एंसिलेज सर्विस, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी सर्विस, कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अ बैंकर एंड कस्टमर राइट्स ग्रेडियंस, रेडरेसल एंड RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, प्रीमियम एक्सटेंड डेफिनेशन द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005।
पेपर थ्री की बात करें तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ आवर बैंकर्स मॉड्यूल जो रहेगा मॉड्यूल है उसके जो टॉपिक्स है वो डेफिनेशन स्कोप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग INDS बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर मेंटेनेंस ऑफ कैश सब्सिडियरी बुक एंड लेजर बैंक रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज बैक ऑफिस फंक्शन हैंडलिंग अनक्लेम्ड एंट्रीज इन बैंक्स बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। पेपर फोर की बात करें तो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें मॉड्यूल में रिटेल बैंकिंग में आएगा इंट्रोडक्शन रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कंसेप्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। इसके रिगार्डिंग में कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ एक वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।